थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे? इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। बहुत बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं ओम स्वामी, इनका काम मुझे स्वयं बहुत अच्छा लगता है। आई हैव अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ हिज, ब्यूटीफुल स्कल्पचर ऑफ हिज, आई लव द वे जिस तरह से वाइब्रेंट कलर्स और एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है इनकी तरफ से गणेश जी का। आंखें क्यों नहीं है वो यही बता पाएंगे, बट बहुत ही सुंदर रिप्रेजेंटेशन है। और आज के इस एग्जीबिशन का नाम भी उन्होंने आराध्य रखा है, अपने आराध्य देव गणपति बप्पा के नाम से ही। हम खासकर इस प्रांत में तो सब चीज़ें बप्पा के नाम से ही शुरू होती हैं और उसी को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड एट द सेम टाइम सुनीता जी ऑफ पाची आर्ट्स इज डूइंग समथिंग सो ब्यूटीफुल विद हर पैशन, यू नो, क्यूरेटिंग सच ब्यूटीफुल आर्टिस्ट एग्जिबिट्स फॉर पीपल टू एंगेज मोर, लोगों को आर्ट के बारे में और जानने का मौका मिल रहा है। दिस लोकेशन इज अ वंडरफुल प्लेस। एंड आज की सबसे खास बात लेकिन जो मुझे लगी कि जो हमारे कलाकार हैं वो वास्तव में कुछ लोगों के कल को आकार देते हैं, और आज जो उन्होंने हमारी बच्चियों को बुलाया जो देख नहीं सकती, खासकर क्योंकि आपके आर्ट में देवों के भी आँख नहीं होते हैं, तो मेरे लिए तो वो देवियाँ ही थी। और इतनी खुश, इतनी प्योरिटी, इतनी इनोसेंस, जिस तरह से इनके साथ में मिलकर उन्होंने एक स्कल्पचर किया, प्रोजेक्ट किया, उनको एंगेज किया, और जितना एक्साइटमेंट था उनको अपने प्राइजेस लेने का, ये सब देख के दिल बहुत खुश हो जाता है। तो आई फील दैट ट्रू आर्ट टच इज द हार्ट, and that's what we did today. And Vachi also means goddess Lakshmi, and then goddess Lakshmi, and then the kids are here. बिल्कुल, जैसे इनके बेटे वैभव ने कहा कि सरस्वती और लक्ष्मी का समागम है, एक संगम है। It's a beautiful blend of the two, and these two are great representations of भारतीय संस्कृति, of our culture. And on the one hand, Lakshmi is prosperity. आजकल तो लोग सिर्फ ये समझते हैं लक्ष्मी को, but it's abundance, it's prosperity, it's well-being, so many things that come along with it. And Master Suti is Vidya, art, kala. So when the two blend together, you create something beautiful like this, which is Vachi Art Gallery. So many congratulations to you. सुनीता, आप क्या कहना चाहेंगे? विवेक है आपका गैलरी आज इतना प्यारा जरिया बना है अच्छे बॉस के लिए। मेरे पास वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए विवेक जी के लिए, बाकी इतने सारे दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स जो यहाँ आए हैं। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिसने आज ये दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा ये फर्स्ट शो है जो मैंने ओम जी के साथ किया, क्योंकि उनकी गणपति, और मेरे को लगता है गणपति हर शुरुआत के लिए बहुत अच्छा। सो विवेक जी आज हमारे साथ है, इससे अच्छा और मेरे लिए क्या हो सकता है। आई एम सो हैप्पी कि मैं इन बच्चों को यहाँ ले आई, मतलब लेके आ मैं ओम जी के जरिए। थैंक यू सो मच ओम जी, थैंक यू सो मच विवेक सर। एक सेकेंड ओम जी, आँखें क्यों नहीं? आँखें क्यों नहीं? मीन्स कभी भी, मीन्स मैंने जब भी मीन्स पेंट कर रहा हूँ मैं लास्ट फ्रॉम 20 ईयर्स, मैंने कभी ऐसे नहीं लगा कि आर्ट देखने के लिए कुछ अलग आँखें लगती है करके, और वैसे कभी आया ही नहीं। मीन्स मेरा स्टाइल ही वैसे डेवलप हुआ कि कभी मुझे ऐसे लगा नहीं कि इसमें आँखों की कमी है, बिकॉज ऑफ माई स्टाइल, माई कलर्स, इट्स वेरी वाइब्रेंट कलर्स हो, तो कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि इसमें आँखें चाहिए। मीन्स आप कौन से भी मेरे फॉर्म देखो, अगर मैं फिगरेटिव भी काम करता हूँ उसमें, हाँ तो उसमें आँखें नहीं होती कि आर्ट देखने के लिए कुछ अलग आँखों की ज़रूरत है, ऐसे मुझे कभी नहीं लगता। तो कभी भी मेरे इसमें आँखें नहीं होती। तो ऐसे ही इवेंट क्रिएट हुआ जब हम लोगों का बात चल रहा था कि कुछ इवेंट करना है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कर देंगे तो ब्लाइंड गर्ल्स वगैरह आ गई, सो कुछ कनेक्शन हो गया अपना, तो ये अच्छा खासा इवेंट हो गया पैरा से। और विवेक सर यहाँ पे आए, आपने काफ़ी हेल्प किया, नंदिनी है, तनवी मैडम है, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया ये सब इवेंट के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स थैंक्स। आपने जैसे कहा कलाकार का मेंशन किया, आप भी एक बहुत खूबसूरत कलाकार हैं और अलग अलग किरदार से हमें इंटरटेन करते आए हैं। अब दिवाली बाद आपका भी एक खूबसूरत वेब सीरीज आ रहा है, किस तरीके का हम जॉनर देखेंगे इस बार, आपको किस अंदाज में देखेंगे? शिल्पा मैम है तो क्या कहना चाहेंगे, उनके साथ काम कर रहे हो और अलग तरीके का हमने देखा, जैसे पोस्टर्स भी काफ़ी मज़ेदार रहा, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का मामला है, क्योंकि हम अपने खाकी के हीरोज़ जो हैं इंडियन पुलिस फोर्स, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्क्रीन पर, उन्हें दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और रोहित शेट्टी को पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पुलिस की एक नेगेटिव सी छवि ही बनी है,
रोहित शेट्टी ने मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी फिल्मों के माध्यम से वापस पुलिस वालों को हमारे लिए हीरो बनाया, बच्चों को हीरो क्रिएट किया आउट ऑफ पुलिस पीपल, स्टार्टिंग विद सिंघम एंड देन क्रिएटेड द होल कॉप यूनिवर्स. तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उस कॉप यूनिवर्स के, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का एक पार्ट बना हूँ, एक अंश बना हूँ. बहुत मज़ा आया शूट करते वक्त. मेरी दोस्त शिल्पा शेट्टी साथ में रही, मेरा छोटा भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड पोस्टर को लेकर इतनी चर्चा हुई है, इतनी एक्साइटमेंट है, मुझे लग रहा है कि फैंस 19 जनवरी को अमेजोन प्राइम पे जब ये लॉन्च होगी इसे देखेंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, क्या विशेस देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं विश करूंगा दिवाली की, और यही कहूंगा कि हम अपने घरों में तो दिवाली में रोशनी करते हैं, इस बार थोड़ी कोशिश करें कि जिनके घरों में अंधेरा है उनके घरों में भी थोड़ी रोशनी ला दें. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.